नमस्कार, न्यूज इंडिया की टीम आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिल वर्मा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रतापगढ़ जिले में बृहस्पतिवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी व प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के निर्देशानुसार जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भाजपा सरकार द्वारा की गई धांधली से लोकतंत्र की हत्या के विरुद्ध प्रतापगढ़ जनपद के सभी तहसीलों में महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को संबोधित ज्ञापन श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय जी को सौंपा गया। सदर तहसील विधानसभा अध्यक्ष सदर डॉक्टर राम बहादुर पटेल जी की अध्यक्षता में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में यह दिया गया कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय चुनावों के अंतर्गत जिला पंचायत अध्यक्षों एवं ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में जो गंडागर्दी और लोकतंत्र की हत्या भाजपा सरकार में हुई है उसकी कोई कल्पना नहीं थी। जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में 3 जुलाई 10 जुलाई 2021 को सत्ता पक्ष के प्रत्याशियों को जिताने के लिए विपक्ष के साथ 6 जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ जबरन खेल पर लगाकर वोट डलवाए गए, जिसमें जिला प्रशासन के अधिकारियों की भूमिका भी रही। मतदान के पूर्व जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत सदस्यों को डराया धमकाया गया तथा जबरन देकर भाजपा के पक्ष में वोट देने को बाध्य किया गया। 8 जुलाई 2021 को ब्लॉक प्रमुख के निर्वाचन के लिए नामांकन की अंतिम तिथि थी। नामांकन के दौरान पुलिस प्रशासन सत्ता पक्ष का कार्यकर्ता बनकर काम करने लगा और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों समर्थकों पर हमलों के साथ नामांकन परिचय पढ़ने के कृत्य किए गए। सैकड़ों ब्लॉकों में नामांकन करने नहीं दिया गया। समाजवादी पार्टी राज्य निर्वाचन आयुक्त को प्रारंभ से ही सत्ता पक्ष द्वारा पंचायती चुनाव को प्रभावित कर अपने पक्ष में करने की साजिशों के बारे में लगातार सूचित करते हुए आगाह किया था, पर चुनाव आयोग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। भारत के संविधान दिए गए लोकतंत्र की के सर्वथा विपरीत है। इसमें कहा गया है कि लोकतंत्र की हत्या के अतिरिक्त बढ़ती हुई महंगाई, बिगड़ी कानून व्यवस्था, नौजवान की बेरोजगारी, सरकार किसानों के ऊपर थोपे जा रहे काले कृषि कानून, महिलाओं से दुर्व्यवहार, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर फर्जी केस लगाने और प्रशासन सत्ता द्वारा सत्ता के दुरुपयोग की ओर भी आकर्षित करना चाहेंगे। इस अवसर पूर्व विधायक नागेंद्र सिंह मुन्ना यादव, पूर्व प्रत्याशी संजय पांडे, मोहम्मद अनीस खान, पूर्व ब्लॉक प्रमुख शांति सिंह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य सुषमा पाल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष इरशाद सिद्दीकी के साथ मीडिया प्रभारी मनीष पाल सहित सैकड़ों नेतागण व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अरे अभी नामांकन दाखिल नहीं करने दिया गया है। वहाँ पर पुनः नामांकन प्रक्रिया करने का आदेश सरकार, जिससे भारत के संविधान में लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा की जा सके। सरकार के खिलाफ इसी के साथ साथ ही ये जो 17 सूत्री हमारी जो मांगे हैं, ये 17 सूत्री मांगे वो आपको पढ़कर सुनाई जा रही है। पहली मांग, किसानों को उनकी फसलों के लाभकारी मूल्य दिया जाए और न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की गारंटी दी जाए। दूसरा, प्रदेश में किसानों का गन्ने का बकाया भुगतान 15,000 करोड़ रुपए का स्थान दिया जाए। तीसरा, किसानों के ऊपर जो काला किस कानून सौंपा जा रहा है उसे सरकार वापस दिया जाए। महंगाई